एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रस कॉर्नर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके फेस्टिवल्स काफी अच्छे गए होंगे। दिवाली, करवा चौथ, भाई दूज, बहुत सारे त्योहार गए हैं और अभी जो है क्रिसमस भी आ रहा है थोड़े दिनों में। हाँ, हमारे भी काफी अच्छे रहे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं अपनी रील्स शेयर करती रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दूंगी। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट की, जी हाँ, जिसकी हर घर में जरूरत होती है। आज मैं आपको एक आयरन टेबल का रिव्यू करने जा रही हूँ। मैंने अमेजोन से परचेज की है। कैसी है, कितने की है, कितनी कॉस्ट है और कितना डिस्काउंट है, वो सब जानने के लिए आगे देखना जरूर वीडियो को। और किस मटेरियल की है, ड्यूरेबल है कि नहीं और क्या प्राइस है, मतलब सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरी वीडियो देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल है उसे भी हिट कर देना और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। मैं इस तरीके की रिव्यू आप लोगों के लिए करती रहती हूँ, नई नई चीजें जो है ट्राई करती हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को एक अच्छा रिव्यू दे सकूं। और इसकी तो मुझे भी काफी नीड थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेजोन से मैंने परचेज की है आयरन टेबल। मैंने कई देखी बट मैंने बहुत ही सर्च करके ये जो है ली है। वो क्यों ली है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मुझे जो है थोड़ी बैक प्रॉब्लम है, मतलब मुझे थोड़ा ना दर्द हो जाता है अगर मैं थोड़ी सी बेंड ज्यादा हो जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा पेन हो जाता है, बैक एक हो जाता है। तो इसलिए जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पर एक गिफ्ट की है आयरन टेबल। जी हाँ, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है अमेजोन की तरफ से, बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे इसकी नीड थी। तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप इसको ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए काफी भारी है। ये जो है इस तरीके से अमेजोन से आई है, पूरी अच्छे से पैकिंग होके आई थी और बहुत ही बड़ा जो है इसका पूरा जो है ये डब्बा है, देख सकते हो आप इतना लंबा है ये। इस तरीके से आया और भी पैकिंग थी, वो तो हमने ओपन कर दी है। बबल रैप में ये होकर आई थी, बहुत ही अच्छे से टेबल जो है एल्यूमिनियम टेबल है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हो जाती है और जितनी हमें जरूरत होती है, मतलब इतनी हमें जरूरत होती है। यहाँ पर लेडीज की जो हाइट होती है या बॉयज के लिए भी है, जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। बाकी मैं मेंशन कर दूंगी और आप लिंक जो मैं प्रोवाइड करूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी पूरी डिटेल दी हुई है कितने इंच की है, कितने इंच तक हो जाती है। बाकी मैं इसको आपको खोल के और मटेरियल दिखा दूंगी कि कैसा है आगे, ठीक है, वो खोल के बंद करके वो सब मैं आपको आगे दिखा दूंगी। बट इसके बारे में मैं बता दूं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें काफी आपको ना इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ मैं आपको। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको जो है बिल्कुल भी, मतलब पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, मतलब जो ऐसे बैठ के आपको इतना ज्यादा बेंड होना ही नहीं पड़ता है कि अगर आप शर्ट पे प्रेस कर रहे हैं तो उधर से ऐसे करना है, इधर से बाजू करनी है, नहीं तो उधर दूसरा, मतलब दूसरी जिधर प्रेस कर रहे हो तो दूसरे साइड का कपड़ा ठीक करना पड़ता है तभी तो इधर अच्छे से होगी। तो इस पर क्या है, आप एक साइड जिस कपड़े पे करना है और जिस पर नहीं करना है वो नीचे हैंग हो जाता है, तो उससे बहुत ही अच्छे से वो प्रेस हो जाती है। कोई भी कॉर्नर वाली चीज है वो आप, इसकी शेप ही ऐसी होती है तो उसपे बहुत ही अच्छे से हो जाती है। बाकी आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको खुद लगेगा, मतलब इस आयरन टेबल को मैं कह सकती हूँ इसने मेरी लाइफ को काफी इजी कर दिया है। मतलब मेरे घर के काम, मतलब जो मेरा टाइम बहुत जाता था प्रेस करने में वो अब बिल्कुल भी इतना नहीं जाता है।
मतलब अब मुझे वो लेजीनेस आती नहीं है, मुझे वो आलस ही नहीं आता कि भाई अब दरी लगानी है, फिर चादर लगानी है, फिर जो है प्रेस करनी है। अब एक चीज हो गई है, अब मुझे फटाफट कपड़े लाने, और नीचे जो है कपड़े रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है, इसमें एक ऐसे ट्रे दी गई है इस तरीके से, जो है उसमें आप कपड़े भी फोल्ड करके रख सकते हो, या फिर जैसे इकट्ठे हो जाते हैं जो प्रेस के कपड़े हैं वो भी आप वहां पे रख सकते हो, तो वो भी आप प्रेस कर सकते हो। मतलब इसने मेरे लाइफ को तो बहुत इजी कर दिया है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती प्रेस करने में, और मैं खड़े खड़े या फिर उसको बेड के या फिर चेयर के, जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ तो इसके लेवल का करके भी मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ, बहुत ही आसान होता है। मतलब हर चीज की इसमें फैसिलिटी दी गई है, वायर को हैंग करने के लिए भी इसमें दी गई है ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आयरन को रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है, और वो सिलिकॉन के हैं, वो जलते नहीं है, सो ये काफी अच्छी चीज लगी। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको कि कैसे ये ओपन होती है और कैसे क्या होती है। अच्छा मैं ये भी बता दूं, मैंने और भी टेबल्स देखी बट उनकी जो रॉड होती है ना वो गोल गोल होती है, या फिर वो कुछ दिन ही चलेंगी, ये बहुत ही ड्यूरेबल है, इसको मैं काफी दिन से यूज कर रही हूँ। तो ये मतलब गिफ्ट तो मेरा एक्चुअली करवा चौथ है, बट इसको मैंने महीना भर पहले ही इसको परचेज कर लिया था, तो महीना भर से ज्यादा हो गया है मुझे इसे यूज करते हुए। सो मैं आपको कहूंगी कि आप भी इसे जरूर ट्राई करना, जरूर एक बार लेना, आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। हम जो हाउसवाइफ्स होती है ना, या फिर जो वर्किंग भी होती है, उनके लिए बहुत इजी है, फटाफट प्रेस किया और जो है ऑफिस के लिए निकल गए। कई बार तो मेरे हस्बैंड खुद ही कर लेते हैं प्रेस, मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो नीचे रखे होते हैं उसमें से निकालते हैं और फटाफट वो शर्ट को प्रेस कर लेते हैं और चले जाते हैं ऑफिस। तो लाइफ बहुत इजी हो गई है इससे मेरी, तो मैं चाहूंगी कि आपकी भी लाइफ जो है इजी हो जाए, क्योंकि जो ऑफिस गोइंग बॉयज हैं या गर्ल्स हैं तो उनको डेली जो है प्रेस के कपड़े पहनने ही होते हैं, तो ये डेली हमें जो है डेली नीड है ये हमारी, तो सभी को जरूरत होती है। सो चलिए आइए आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसी है ये। सो हेयर इज द आयरनिंग टेबल, सो इसे हम आपको खोल कर और बंद करके दिखाते हैं कैसे ये डाउन हो जाती है और कैसे आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं बैंड करके। ये यहाँ पर एक होल्डर दिया गया है, उसे आप प्रेस करके और स्टैंड पर पैर लगाया है मेरे हस्बैंड ने, तो उसको पैर लगा के आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से दिया गया है यहाँ पर, सो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चले मैं आपको इसके नीचे दिखा देती हूँ, ये जो फैब्रिक है इसके नीचे कैसा है। तो ये देखिए एलुमिनियम और स्टील मिक्स है ये, तो इस तरीके से ये दिया गया है जिससे कि बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रेस करने में। और नीचे फाइबर की एक शीट दी गई है और उसके ऊपर फैब्रिक दिया गया है, आप चाहो तो इसके ऊपर कोई शीट डाल के भी प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। सो नीचे जो है स्टैंड काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल भी बेंड नहीं होते हैं, अच्छे से आप प्रेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फुल डिटेल चेक ज़रूर कीजिएगा, ऑर्डर कीजिए अभी। और मेरे हस्बैंड की काफ़ी अच्छी हाइट है, 6 फीट से थोड़ी सी ही कम होगी, सो उनकी पूरी जीन्स जो है इस पर कवर हो रही है। और इस प्रेस टेबल की मैक्सिमम हाइट 90 सेंटीमीटर है, बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, और मैं कमेंट्स में पिन भी कर दूँगी तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा। सो बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से। इस तरीके से नीचे आपको ट्रे दी जाती है जिस पर आप ड्राइंग क्लोथ्स के लिए, जिस पर आप उनको फोल्ड करके इस पर रख सकते हैं जो प्रेस होते जाएँ। सो काफ़ी अच्छा है, और ये इनोवेटिव वायर मैनेजर दिया गया है, इसमें आप वायर को लगाकर यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं वायर को, तो वो गोल गोल घूमती नहीं है, जैसे घूम जाती है ना फिर उसे बार बार सीधा करो, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। सो ये देखिए दूसरी जीन्स है, ये भी पूरी कवर हो रही है, इवन मैं थोड़ा सा और इधर करूँगी तो और भी अच्छे से आ जाएगी, काफ़ी स्पेस है इधर। और ये देखिए इधर जो है ये सिलिकॉन के दिए गए ऑरेंज कलर के, इस पर आप आयरन को रख सकते हैं, सो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं तो ये जलते नहीं हैं, सो आप कैसे भी इस पर रख सकते हैं, काफ़ी प्रेस जो है गर्म होती है,
जब हम प्रेस करने के बाद जब हम रखते हैं तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो बच्चों से भी जो है आसानी होती है कि वो छू लेते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से रख सकते हैं सीधा इस पर, जिससे कि बच्चों को भी जलने का ख़तरा नहीं होता है। सो मैं आपको पूरा जूम करके दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा स्पेस दिया गया है इसमें, और दोनों तरफ से जो है, जैसे शर्ट होती है हम एक साइड करते हैं तो दूसरी साइड जो है नीचे हैंग हो जाती है, तो अच्छे से मैनेज हो जाती है। मतलब लाइफ बहुत इजी हो गई है मेरी, तो आप भी अपनी लाइफ इजी करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। ये देखिए इस तरीके से रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अभी फटाफट ऑर्डर कर दीजिए। सो आई होप आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आप मुझे फॉलो कर लेना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। जब लेनी हो तो आप ले भी सकते हैं, वहीं से ऑर्डर कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है, आगे पता नहीं डिस्काउंट होगा या नहीं होगा, तो आप इसको जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।